बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं। इसका एडवर्टाइजर नंबर आज हम डिस्कस करेंगे 34, और रिसेंटली इसका एडवर्टाइजमेंट आया। और स्टार्ट में देखें तो एमबीबीएस जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो जॉब्स हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली एलडीए की जॉब्स का आप वेट कर रहे थे, उस जॉब्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और तफसीलन। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। और इंटर बीए बीएससी एमए एमएससी ऑलमोस्ट जिनके पास ये डिग्रीज हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एमबीबीएस, यहाँ पे आप 435 से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये जॉब्स का आप लोग वेट कर रहे थे डेफिनेटली। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 16 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें ओपन मेरिट की बात करें तो 9 है, वुमेन कोटा 5 है, मतलब कि वुमेन जो है वो 5 उनकी नंबर ऑफ पोस्टें जो है ना वो फिक्स कर दी हैं, लेकिन इसके अलावा ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर सकती हैं वो। तो इसके लिए 17 इसका स्केल है, और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके स्केल की बात करें तो 16 एज इसमें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 16 ईयर एजुकेशन आपके पास हो मिनिमम, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास हो तो आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मेल की एज जो है वो है 33 विद 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, और इसमें जो फीमेल की है वो 36 है विद 8 ईयर एज रिलैक्सेशन। तो मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है वो मेल की 33 है और फीमेल की 36 है। तो एलडीए की डिपार्टमेंट में डेफिनेटली असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं। 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, 16 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लाहौर में होगी, और डोमिसाइल आपका पंजाब से हो, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और सिलेबस इसका बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी नंबर ऑफ पोस्ट है, लेकिन आपको इन 435 सीरियल नंबर 435 पे लाजमी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। और इसका अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हसन एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस नंबर पे रब्ता करके घर बैठे अपना अप्लाई करवा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अमानत होंगे, अप्लाई करने के बाद इसका पीडीएफ, चालान फॉर्म की फोटो कापी, सारी स्क्रीनशॉट आपको हम सेंड करेंगे, तो ये आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर भी गिवन होगा, उस नंबर पर रब्ता करके अप्लाई करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं 436, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल वह है 9 नंबर ऑफ पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की ये पोस्ट है। यहाँ पे भी 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए, एनी डिसिप्लिन, मतलब कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास 16 साल तालीम हो तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मेल की 33 है और फीमेल की 36 है, तो इसमें भी डेफिनेटली इस पे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी, इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी भी लाहौर है, और किसी पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जूनियर क्लर्क की नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे वो है, टोटल 60 नंबर ऑफ पोस्ट है, 60 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में लाहौर में, डेफिनेटली इसकी पोस्टिंग भी लाहौर में होगी, और इसमें सिर्फ लाहौर वाले ही इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज 30 और फीमेल की एज 33 है, और लाहौर के डोमिसाइल वाले ही इस पर अप्लाई करेंगे। जस्ट 80% आपका सब्जेक्ट होगा, 20% आपका जो होगा वो जनरल नॉलेज से होगा। तो डेफिनेटली सब्जेक्ट में आपके पास ये यहाँ पे जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफिया, बेसिक मैथमेटिक्स, 80% ये होगा, जनरल एबिलिटी होगा, और 20% एमएस ऑफिस से रिलेटेड होगा। ये सिलेबस है इसका, आपके पास 12 ईयर एजुकेशन हो सेकेंड डिवीजन के साथ, और इसके स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और प्रोफिशेंट हो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो ये बेसिकली आपके पास इंटर की डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। 11 स्केल है जूनियर क्लर्क का, रेगुलर जॉब्स हैं ये, और नंबर ऑफ पोस्ट 60 हैं, तो इस पे लाजमी अप्लाई करें। यहाँ पे डिवीजन की गई है, ठीक है, तो लाजमी इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें आ जाता है नेक्स्ट जो है, ये हमारे पास जूनियर क्लर्क, ये भी जूनियर क्लर्क की नंबर ऑफ पोस्ट है, 38 है यहाँ पे, तो इसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जॉब्स हैं ये, खुशाब के डोमिसाइल वाले ही सिर्फ इस पे ऊपर अप्लाई करेंगे, और ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 25 वर्ड पर मिनट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन के साथ हो तो लाजमी अप्लाई करें। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जॉब्स हैं, मेल की एज 30 और फीमेल की एज 33 है, तो इसके ऊपर इसका सिलेबस भी सेम है।
और नेक्स्ट जॉब देख लेते हैं, यहाँ पे है वो स्टेनोग्राफर। 15 स्केल है इसका, नंबर ऑफ पोस्ट 16 है इसकी, और इसके ऊपर भी अप्लाई करें। इंटर रिक्वायर्ड है इसमें, मेल की 30 और फीमेल की 33 है, और इसका इसमें भी जिस खुश आपके डोमिसल वाले ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसका अप्लाई करवा भी सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमारी सर्विस ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, और उसमें एमए बीएस या बी इसमें बीएस ऑनर्स या बीएस फर्स्ट डिवीजन ग्रेड बी के साथ इसके ऊपर अप्लाई करें। अपॉर्चुनिटीज़ ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इस पर अप्लाई करें। वुमेन कोटा 1 है, इसमें मेल की एज 45, फीमेल की एज 48 है, और पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब है, और PPSC 1 पेपर, जनरल नॉलेज का इसका पेपर होगा, और इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों। और ये अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज का आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है PPSC की वेबसाइट पे जाके। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 13 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आप अप्लाई करें और अप्लाई करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर क्लर्क की जॉब्स हैं, स्टेनोग्राफर की है, डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास जस्ट 16 ईयर एजुकेशन है या आपके पास 12 ईयर एजुकेशन है तो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट में कुछ MBBS की जॉब्स गिवन है उसके ऊपर, तो डेफिनेटली आपके पास अगर है तो डेफिनेटली अप्लाई करें, अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली इन पोस्टों के ऊपर 16 ईयर एजुकेशन के ऊपर लाजमी अप्लाई करें आप। तो इसका ऑफिशियल एड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0306781987। इस नंबर पर कॉल मैसेज करके इसका घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे बेटा, कोशिश जारी रखें, हिम्मत करें, इंशाल्लाह आप डेफिनेटली आप टीचिंग पे अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो इंशाल्लाह उसकी अपॉर्चुनिटीज अभी लेट हैं, तो इंशाल्लाह जैसी आएंगी उस पर भी अप्लाई करें। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आपके हाथ में है उसको ना छोड़ें, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, इनके ऊपर अप्लाई करें, तैयारी करें। 1 पेपर है, एक तैयारी एक दफ़ा करनी पड़ेगी, उसके बाद जॉब तो जनरल आती रहती है। इसकी हम तैयारी भी करवाएंगे, तैयारी करवा भी रहे हैं, डेफिनेटली जो प्रीवियस जो पहले पोस्ट आ चुकी हैं उनकी भी तैयारी करवा रहे हैं, इनकी भी इंशाल्लाह हमारा सेशन स्टार्ट होगा। तो हमारी प्रिपरेशन के लिए भी हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये PPSC का एडवर्टाइजर नंबर आज ही इसका आया है, और 34 एडवर्टाइजमेंट है, और इसके अलावा भी PPSC का एडवर्टाइजर नंबर 33 भी है अवेलेबल, उसके ऊपर भी डेफिनेटली काफ़ी सारी जॉब्स हैं, उसके ऊपर भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। उसका ऑफिशियल एड मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और उसके लिए भी वीडियो को फॉलो कर लें, वीडियोज़ पहले मैं बना चुका हूँ उसके लिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, टेक केयर, जजाकल्ला।